कोर्ट के सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपना जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस मौके पर लोजपा रामविलास गुट सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा, दोनों ही सीटों पर वह जीत हासिल करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी उन्होंने खूब गुणगान की। जाहिर तौर पर उपचुनाव के दोनों सीटों को लेकर हर पार्टी अपनी तरफ से दावा ठोक रही है। देखना यह होगा कि चिराग पासवान इन दोनों ही चुनाव में अपना जलवा किस तरह से लहराते हैं। जाहिर तौर पर चिराग पासवान के जन्मदिन पर जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी बिहार में लगातार इफेक्टर बनते जा रहे हैं। विनम्रता से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे अनगिनत ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप लोग भी जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे भी जो कमेंट्स आते हैं, मुझे अनगिनत शुभकामनाएं, बधाइयां मिली। आशीर्वाद यात्रा का मेरा लक्ष्य भी यही था कि लोगों का आशीर्वाद मिले, और जब इतनी भरपूर संख्या में मिल रहा है तो खुशी तो होती है। विश्वास रखते हैं तो एक चुनाव कम से कम अकेले लड़कर दिखा दें, पर मैंने ना सिर्फ अकेले लड़ा बल्कि मेरा विश्वास भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता का समर्थन भी मिलेगा। परिणाम वो जीत को लेकर 2020 के चुनाव में भी पूरी तरीके से आश्वस्त है, पर तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहेगा। चुनाव के बाद दोनों सीटें काफी अहम है, और अगर परिणाम जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पूरी तरह से उनके पक्ष में है, चिराग खुद आश्वस्त है कि एक बड़ी भारी भीड़ थी दोनों ही चुनाव में, ऐसे में अगर परिणाम इस तरह के होते हैं तो मैं करता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत से समझौते करके राजनीति में आगे बढ़ता। मैं राजनीतिक भविष्य अपने नहीं, बिहार के भविष्य, बिहारियों के भविष्य की मेरी प्राथमिकता है। उनका भविष्य मेरी सोच में प्राथमिकता रखता है। उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाऊं, उसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं रण क्षेत्रों में उतरा हूँ। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, जैसे ही ये दोनों उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड हारेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार गिरना तय है। और ये बात आज की तारीख में बिहार की जनता भी जानती है कि बिहार की जीत, बिहारियों की जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हार में है, और इसीलिए पिछली बार भी उन्होंने उनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हराया था, ये दोनों प्रत्याशी भी उनके चुनाव में। ये वो दिन होते थे जब वो एकदम साय की तरह साथ होते थे, वो दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो, परिवार में मेरा, मेरी सिस्टर का, उनके बच्चों का, मेरी मदर का, किसी का भी जन्मदिन हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, ये चीज़ मैंने उनसे ज़रूर सीखी थी। कितने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने परिवार के लिए हमेशा समय निकाला। तभी मैंने उनका 2 साल पुराना एक वीडियो भी आज मैंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग भी वो गा रहे हैं उसमें, वही बस अब उनकी यादें मेरे साथ हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें कि ये जो भी परिस्थितियाँ हैं उससे मैं लड़ पाऊँ। और जैसा आपने बात कही दोनों सीटों पर चुनाव की, पूरा विश्वास है। देखिए भाई, मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की। मेरी कोशिश में कमी तब रहती जब मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करता, या मैं सिर्फ सीटें जीतने के लिए किसी के सामने नतमस्तक हो जाता, या मैं गलत शक्तियों का, गलत ताकतों का साथ दे देता, समझौता कर लेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए। ये मैंने ना पहले कभी किया, ना मेरे नेता ने किया, ना मैं भविष्य में कभी करूँगा। मैंने एक ईमानदार कोशिश की, दोनों सीटों पर अकेले रणभूमि में उतरा हूँ। कम से कम मुझे खुशी इस बात की कि चिराग पासवान में अकेले में इतनी हिम्मत तो है अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से कि वो अकेले चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने साल होने के बाद भी अकेले लड़कर दिखा दें, अगर उनमें अगर है